खुदा खारत करे, सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से 6 महीने का किराया चला गया, सोने के सिक्के चले गए। ढूंढ कर ही रहूंगा समीर को। इस्तांबुल शहर इतना बड़ा है, आखिर एक बंदे को कैसे ढूंढ लोगे तुम? ये मुझ पर छोड़ दें आप, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उसे ढूंढ सकते हैं। फिक्र नहीं करें। क्यों नहीं बेटा, ऐसा करते हैं, तुम्हारी अम्मा और मोहल्ले के सारे लोगों को साथ लेकर ढूंढते हैं उसे। मैं सब संभाल लूंगा बाबा। देखो लड़के, मुझे कातिल बनाना चाहते हो? हाँ, भूल क्यों नहीं जाते समी को? भूल जाओ, नाम भी मत लेना। एक एहसान करो कि परिहान, सुबह से रोना धोना मचाया है, बहुत हो गया। दुनिया छोटी है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जल्दी या फिर देर से वो आदमी मिल जाए मुझे, तो अपने हाथ से उसे वहाँ उस ग्रिल पर नहीं लटकाया तो तुम सब गवाह रहना। और मेरी बात याद रखना, अपना नाम जलाल उस्ताद से खुद का रख लूंगा। जलाल, ठीक है, बाद में जो अपना नाम रखना है रख लेना, लेकिन अभी क्या करना है ये सोचो। देखना वो कुछ ही देर में पुलिस भी लेकर आ जाएगा, फिर क्या करोगे? मेरे पास सिर्फ 50। तुम भी अपने पैसे निकालो और तुम भी जाओ लेकर आओ। ये लीजिए, मेरे पास बस अभी यही है। मेरे पास तो बस यही पैसे हैं। जलाल के अंदर रजिस्टर में कुछ पैसे पड़े हैं? कुछ नहीं है, खुद देख लो, रजिस्टर खाली हो चुका है। तुम समझती हो खजाना छुपाया हुआ है मैंने? जलाल, लेकिन जलाल, मेरी बात परिहान, छोड़ो उसे, अभी वो परेशान है, अकेला छोड़ दो उन्हें, कुछ देर बाद बात कर लेना उनसे। तुम परेशानी की बात तो है ना मामू, लाइट कट गई तो क्या होगा? बिल कितने का ये बताओ। 5,000 का। क्या? एक प्लान है मेरे पास। जलाल, यहाँ ना। क्या है, कहाँ से आए इतने पैसे? महल्ले वालों से जमा किए हैं। उन सब का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये पैसे लौटा दो उन्हें। एक मिनट जलाल, एक मिनट। ये क्या कहा तुमने जलाल? जब मुझे कर्ज के पैसे अदा करने थे तो तुम ही ने मदद की थी ना मेरी, हाँ? और बार बार निहाद का कर्ज भी तो हमने ऐसे ही अदा किया था ना, याद नहीं तुम्हें? भूल गए क्या? तुम ठीक कह रहे हो, पर ये मुमकिन नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? अगर आज तुम ये कबूल कर लोगे तो तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और उनके पैसे भी आसानी के साथ लौटा सकोगी। मैं तो नहीं लौटाऊंगा, जाकर कह दो उनसे, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करो और लौटा दो उनके पैसे, क्योंकि मैं तो लौटाने वाला नहीं हूँ पैसे। ऐसे रख लो जलाल, ऐसे बेइज्जती होगी उनकी, ले लो। ठीक है, मगर मैं बहुत जल्द मोहल्ले वालों का सारा कर्ज उतार दूंगा, समझे तुम? देखो ये कर्ज है और तुम दोनों गवाह, भूलना मत। वो तो बात की बात है, अब तुम ये पैसे रखो जैसे हम तुम्हें नहीं जानते। चलो आओ, ले लो। हाँ, एक मिनट बस, मैं भी आया। हाँ, नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, क्योंकि जिसे तुम मजाक कह रहे हो ना, वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तुम्हारा छोटा सा वो मजाक किसी की जिंदगी है। हिलमी चाचा ने और मैंने अपना घर चलाने के लिए जी है वो जिंदगी। तुम्हें क्या लगता है कि अपना घर चलाने के लिए बचपन से काम करना कोई मजाक है? मेरे और मेरे बाबा के लिए बचपन से हकीकत है ये बात, समझे तुम? मैं तुम्हारी बातें इतने गौर से सिर्फ इसलिए सुन रही थी कि मुझे लगा तुम्हारा बचपन भी मेरे जैसा था। खुद फर्ज हो तुम। चैंपियन, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? बस कुछ खास नहीं है, मुझे किसी ने कुछ कहा था, बस वही याद आ गया। कुछ क्या कहा था? कुछ भी खास नहीं, चलो आ जाओ, आ जाओ। Let's enjoy, guys! Girls, आतिश को कहीं देखा है तुम लोगों ने? नहीं, हमने नहीं देखा।
आतिश, आतिश, मैं यहां हूं बाबा। जरा हाल तो देखो अपना, हटाओ अपने सर से ये चीज। चीज नहीं है ये, ट्रॉफी है। गौर से देखिए, आज तो जीती है। ओके, फिर तो हमें इसमें फूल उगाने पड़ेंगे, किसी काम तो आएगा। इस ट्रॉफी में अगर फूल लगाना चाहेंगे आप, बात यह है कि सारा गार्डन छोटा पड़ जाएगा इसके लिए। Enough! छिछोरे कहीं के, पार्टी इज ओवर, निकल जाओ तुम सब यहाँ से। ऐसे क्या देख रहे हो सब, दफा हो जाओ यहाँ से। बात सुनो दोस्तों, हमारी पार्टी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, ये पार्टी कहीं और कंटिन्यू करेंगे हम। जीत का जश्न मनाना तो हक है ना। भाई क्या कर रहे हैं आप, दोस्तों के सामने तो बेइज्जती ना करें। क्या किया है मैंने, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैंने बहुत इज्जत और एहतराम से निकाला है उसे यहाँ से। लेकिन तुम भी देख लेना, कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ जबान निकाल के मांगता हुआ आएगा मेरे पीछे। भाई खुदा के वास्ते, इफ्सुन, एक लम्हे के लिए भी आतिश का साथ नहीं छोड़ना, कुछ भी हो मुझे खबर करती रहना, समझ गई? श्योर। मिच्चू प्लीज ऐसे नहीं करो, पीछे मत पड़ा करो इस तरह। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, पूरा यकीन है कि किसी ने मेरी ऐप फाइल में वायरस डाला है। कैसे हो सकता है कि कोई मेरी ऐप पसंद ना करे? हाँ, कोई ना कोई नया आइडिया जरूर आ जाएगा मेरे मिच्चू जानी को। हुँ, जरूर किसी ने इसमें बग सेट किया। मैं तोड़ दूंगा इसे। नहीं, इसकी तो किस्तें बाकी है, तुम भूल गए हो क्या? हमने इसे इंस्टॉलमेंट पे लिया है। हाँ ठीक कहा। इसे जेब में रखो पहले। ठीक है, मैं इसे जेब में रखता हूँ। मेरे मिट्ठू परेशान ना हो, हल निकल जाएगा कोई। ओह तो सब यहाँ बैठे हैं, सब ठीक तो है ना बाबा? हाँ सब ठीक है बेटा। तो परेशान क्यों लग रहे? ऐसे ही, बिजली के बिल के लिए महल्ले वालों से चंदा करना पड़ा है, वही सोच रहा हूँ बस। शुक्र अदा करें कि हम बिल भरने के काबिल तो हुए। हाँ खुदा का शुक्र है, लेकिन अगले महीने क्या करेंगे, पैसा तो है नहीं और किराएदार भी भाग गया है। खैर अब हमें एक फैसला करना है बच्चों, इसीलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। बात दरअसल ये है कि हमें अपना सब कुछ बेचकर गांव वापस जाना होगा। नहीं बाबा, ऐसे कैसे वापस जा सकते हैं हम लोग, शायद यहाँ पर शायद वायद कुछ नहीं, और जिल्लत उठाने की हिम्मत नहीं है। तो कब तक सोचा है बाबा? कुछ ही महीनों में आयशा का डिप्लोमा होने ही वाला है, ग्रेजुएशन होने के बाद हम इस्तांबुल को अलविदा कह देंगे, यही सोचा है। बाबा क्या मुझे भी लेके जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ अकेले छोड़ के जाने के लायक नहीं हो। दमीर क्या तुम कुछ नहीं कहोगे बेटा? हाँ मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, अगर बाबा की इजाजत हो तो। मैं इजाजत देती हूँ, बच्चे की भी जरा सुन लो तुम। ठीक है अम्मी, सुन लेते हैं। हाँ दमीर कहो। जब सब कह रहे हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा आप सबसे, क्या ख्याल है? सबर से बैठो शुएब। हाँ ठीक है, पहले दमीर की सुन लेते हैं, फिर मैं बाद में। बोलो, सुन रहा हूँ मैं दमीर। शुक्रिया, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो आप मतलब बेटे की बात समझकर नहीं सुनिएगा, बल्कि उस तीन नस्ल पुरानी दुकान का वारिस समझ के सुनिएगा जिसे आप फरोख्त करने। ठीक है दमीर, जो कुछ तुम कहना चाहते हो मैं समझ गया, हलकान होने की जरूरत नहीं। बेटा जरा उसे कहने तो दो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ वो। ठीक है अम्मी, सुन लेते हैं, कहो। बाबा आप कह रहे थे ना कि हलकान ना हो, लेकिन आप ही बताएं कि मैं कैसे ना हूं हलकान।
मुझे पूरा यकीन है कि तमीर के पास ना समझने वाली बात ही होगी। बाबा मजाक नहीं छोड़ेगा ये लड़का। मैंने जब से होश संभाला है मैंने तब से यही दुकान देखी है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने बचपन से सीखा है उस तंदूर पे काम करना। तमीर ठीक है तुमने काम सीखा है लेकिन अभी तक किया नहीं है। ठीक है अगर तुम कोई और नौकरी देखना चाहते हो तो कर लो। बाबा क्या बात, बोलने की इजाजत देने के बाद मौका भी देना चाहिए। दिया मौका तुम्हें। शुक्रिया, मैं अपने खानदानी हुनर पर फख्र करता हूँ बाबा, और आप मुझे वहाँ काम ही नहीं करने देते थे, हत्ता कि अपना होमवर्क भी दुकान पे किया करता था, दोस्तों के साथ भी उसी दुकान के सामने खेलता था। जिंदगी की पहली मोहब्बत भी इसी दुकान के सामने हुई मुझे। याद नहीं कैसे दुकान के सामने पिटा था मेरा मासूम बच्चा? कम से कम वो बातें तो मत दोहराएं। अम्मी देख रही है ना आप? हाँ अम्मी। हाँ मगर अच्छा चले छोड़े इन सबको, उसी दुकान के सामने आयशा भी तो मिली थी ना हमें, याद तो है ना आपको, ये बिल्कुल दुकान के सामने थी। ठीक कहा भाई ने, अगर वो दुकान ना होती तो आप सब लोग मुझे कैसे मिल पाते भला? हाँ। बेटा ये तो नसीब की बात है, दुकान तो सिर्फ एक जरिया थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबा, लेकिन अगर उस दिन वो दुकान बंद होती तो मुझे किसी और दुकान के सामने छोड़ दिया जाता, यानी मुझे कौन ढूंढता? मोहसिन भाई की तरह मेरे पास आशा करता हुआ कौन आता? जरा सोचे तो आप लोग। तुम हमारे घर की बुलबुल हो, प्यारी सी बुलबुल। अरे मेरी बुलबुल, मेरी चहकती बुलबुल। बिल्कुल बाबा, अगर वो दुकान ना होती तो मुझे मानती खाने से इश्क ना होता, और ना ही मेरी मेहनत मेरी जिंदगी मुझे मिलती। मेरी शादी से मानती ने कराई बाबा। ओ मेरा मिट्टू, कितना लकी हूँ मैं। बाबा इतना हैरान होने की क्या जरूरत, सही तो कह रहा है मिट्टू, अगर दुकान ना होती तो मुझे इतना अच्छा और सादा शोहर कैसे मिलता? यानी बात छोटी सी है, वो दुकान हमारी लाइफ का हिस्सा है। कहने का मकसद यह है कि इस घर की छत ने हमें नहीं जोड़ा, उस दुकान ने जोड़ा है हमें। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ना ही ये घर बिकेगा और ना ही वो दुकान बिकेगी। अब ये दुकान मैं संभालूंगा। भाई मैं तो अपने पोते का साथ दूंगी। ठीक है, फैसले का हक तुम्ही को है, लेकिन बताओ इन्हें तुम बेटा कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह, कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं उसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। कभी नहीं तोड़ूंगा। मुबारक हो, बच गए हम। दुकान नहीं बिकी, दुकान नहीं बिकी मेरी बहन। मुबारक हो, कहीं जा रहे हो? हाँ कहीं नहीं जा रहे। ये मेरा भाई। मैनेजर साहब क्या इरादा है अब? हाँ बेटा फैसला तो कर लिया तुमने, अर्शमीदस की तरह हमाम से यूरिका यूरिका करते भाग तो निकले हो, लेकिन आगे के बारे में बताओ कि क्या करोगे, कैसे करोगे, किस तरह करोगे, ये ज्यादा अहम है। और ये बताओ कि उस छोटी सी दुकान से पूरे घर को संभाल सकते हो तुम? अर्शमीदस यानी पहाड़ वाला ऊंट कहा है तुम्हें? ऊंट की बात नहीं की मैंने, अर्शमीदस कहा है। सॉरी इतनी खुशी में समझ ही नहीं आया मुझे, हंसी और रोना साथ साथ आ रहा है मुझे। कंफ्यूज हो गए। मामू मैं आपकी बात का सीधा जवाब दूंगा। अब देखें, हम खास मानती बनाते हैं जो हमारे अलावा कोई नहीं बना सकता, लेकिन मैं इस बारे में कुछ और सोच रहा हूँ। हमें अपने काम में और बेहतरी लानी होगी ताकि पूरे शहर में हम नंबर वन हों। मैं ऐसे समझाता हूँ, मिसाल के तौर पर अम्मी के इलाके की मानती हम अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। सीरियस बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं। हाँ हम भी सीरियस हैं, मतलब अम्मा के खानदान वाली मानती असल में मानती होती ही नहीं, वो नहीं रख सकते दुकान पे, उसको भूल जाओ छोड़ो। क्या मतलब, क्या मतलब?
शायद इन्हें पता नहीं है, सिनोप के मानती ही असल मानती होते हैं असल मानती। ये क्या किया भाई आपने, जंगे अजीम शुरू करवा दी। गलती से हो गई। परेहान देखो, मैं जानता नहीं तुम्हारे नजदीक मानती क्या है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जंगलों में बसने वाले गोश्त को थैलियों में लपेट के मानती का बेड़ा गर्क करके मानती बनाने वालों को मैं नहीं मानता। मुझे तो सोच कर भी गुस्सा आता है, बल्कि ऐसी चीज तो लायक ही नहीं है मानती कहलाने के। इतना जानती हूँ कि असल मानती सिर्फ सिनोप में ही बनती है। केसरी में सिनोप, केसरी सिनोप, केसरी में सिनोप, मेरा मूल महान। ये जबरदस्त नारा है। मेरा सामान यहाँ क्यों पड़ा है? यास्मीन डियर, हमने सिर्फ आहो के लिए तुम्हें यहाँ कुछ दिन रखा था, लेकिन अब बस, अब मजीद तुम्हें यहाँ हम नहीं रहने दे सकते। यार दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मैं एक हफ्ते के लिए आई थी और काफी टाइम रुक गई, लेकिन तुम लोग बाबा की कंडीशन तो जानते हो ना, उनकी वजह से घर देखने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। बस थोड़ा सा वक्त और दे दो, मैं घर ढूंढ लूंगी। और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी, गैस के बिल्स और किचन के सामान के पैसे तो शेयर किए हैं ना मैंने। बात पैसों की नहीं है। तो फिर बात क्या है? तुमसे बदबू आती है। हैं? क्या तुम जैसे ही घर में आती हो हर तरफ अदरक लहसुन की बू आने लगती है। इसलिए कि मैं तुम जैसी अमीर नहीं हूँ और मुझे कॉलेज फीस जमा कराने के लिए किचन में जॉब करनी पड़ती है। हाँ, तो हम क्या कर सकते। मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें रेस्टोरेंट में टिप दी और यहाँ फ्लैट पे भी देखा तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में मसले पैदा हो रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? तुम्हारी वजह से लोग हमें भी फकीर समझ रहे हैं। मैं बस गरीब हूँ, कोई फकीर नहीं हूँ। एक ही बात है। वैसे भी गरीब को लोग फकीर कहते नहीं, लेकिन समझते तो जरूर है ना, ये जानती हो ना तुम। तो बेहतर है कि अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर लो। पता है कि सच्चाई क्या है? तो वो क्या है? तुम सबके सब घटिया हो। और हाँ, ये मास्क अपने चेहरे से बिल्कुल मत उतारना, वरना असली चेहरे नजर आ जाएंगे लोगों को तुम्हारे। सॉरी, इस वक्त मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना फोन करके? वो सुबह जिस जॉब का जिक्र किया था वो अभी तक अवेलेबल है क्या? बहुत खूब आयशा, मुझे इस सफाई का अंदाज़ा नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सुना है कि तुम मेल ड्रेसेस भी बना लेती हो। पिछले साल मेल कलेक्शन में ही एग्जाम दिया था मैंने, सलमा को बहुत पसंद आया था वो। अगर तुमने सलमा का रेफरेंस ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें फिटिंग रूम मैनेजमेंट ना देती। कस्टमर तुम्हारा वेट कर रहा है, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने लिए सूट खरीदने आया हूँ मैं यहाँ। बताओ कैसा लग रहा हूँ? इतने बड़े शहर में कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिली थी, लेकिन वहाँ पर तुम मौजूद नहीं थी। तुम यहाँ थी तो क्या करता? क्या करना है बताओ? हम कपड़ा देखें पहले, क्या कहती है? हम नहीं, सिर्फ तुम और मैं किसी और को भेज रही हूँ तुम्हें डील करने। अच्छा बस ठीक है ठीक है, बस बस सुनो, बस सुनो, बस सुनो सुनो, मैं किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ।
अगर जरा से भी शर्म बाकी होती ना तो मैं तो मेरे पीछे नहीं आते इस तरह से तुम। तुम्हारे अल्फाज लेकर आए हैं मुझे, ऐसे कसम से। झूठी कसम खाओगे तो मार डालूंगी तुम्हें। मार चुकी हूँ पहले। चिच्छोरा, एक चांस तो मिलना चाहिए। चांस तो लक से मिलता है। लक तो मुझे चैंपियन बनाती रही। हाथ छोड़ो मेरा। पांच मिनट दे दो, जिंदगी छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। कैसे समझोगे तुम? क्या यही कि मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूं? चलो फिर ठीक है, ऐसा करो तुम पांच मिनट में समझा दो कि तुम किस किस्म की लड़की हो सकता है काम हो जाए। मेरे ख्याल से पांच मिनट तो बहुत ज्यादा है, एक लम्हे में समझा सकती हूँ मैं अपने बारे में। और कैसे करोगी? बिल्कुल पहले की तरह। और कैसे? अब तो समझ गए ना तुम। हाँ तो कैसे चल रहा है सब? अच्छा है, अच्छा है। आयशा ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा नाप ले लिया है। जबरदस्त। बिल्कुल पागल लड़की है यार। इश्क की मार पड़ेगी, लगता है इश्क हो जाएगा। अरे तुम तो बड़ा एंजॉय कर रही हो, अकेले अकेले खाना खा रही हो। हाँ तुम अब यहाँ क्यों आ गए? यहाँ आया हूँ तुम्हारे लिए। लो। क्या है? टेलीफोन नंबर। अरे मजाक था, मजाक था। मेरा नाप है सूट के लिए, अगर तुम्हारी बॉस तुमसे पूछ लेती तो यकीनन मुश्किल में पड़ जाती तुम। ओके चलो, सी यू। जी मैडम, मेरा बिल ले आएंगे प्लीज? बिल तो पे कर दिया उन्होंने। क्या वाकई आप मेरा बिल मुझसे पूछे बगैर किसी और से कैसे ले सकते हैं? ये बताइए कितना बिल था मेरा? 180 रुपए। बड़ा है। ये लीजिए एंड कीप द चेंज। बल्कि टिप क्यों दूं? बनती ही नहीं है यार। आशा लोग देख रहे हैं यार। मां से चाहती हूँ आप सबसे, दरअसल इन्होंने मेरा बिल दिया है ना, तो खुले पैसे वापस कर रही थी ने मैं। प्लीज डोंट माइंड, हमारा थोड़ा झगड़ा चल रहा है आपस में। ओके आयशा, गाड़ी में आकर बैठ जाऊंगी मैं। अच्छा बस ठीक है, ठीक है। थक गया, बहुत थक गया हूं मैं आयशा। हाँ तो मैं भी थक गई हूँ। मैं तो अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ तुमसे। मेरी जिंदगी में कुछ भी रियल नहीं है। तो मुझे क्या बता रहे हो? हाँ इतना पैसा है तुम्हारे पास तो जाकर किसी साइकोलॉजिस्ट को क्यों नहीं दिखाते हो? मुझे साइकोलॉजिस्ट नहीं, प्यार चाहिए इलाज के लिए। बहुत ही घिसी पिटी लाइन है लड़की, आप भी सुन लेती है क्या ये सब? हमेशा ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो? तुम्हें तो मेरा भाई ही देख लेगा और वो मुझसे भी ज्यादा बोलता है। अगर बता दिया ना तुम्हारे बारे में तो भुगतते फिरोगे, फिर शिकायत मत करना। यानी कि तुम मुझे भाई की धमकी दे रही हो? ये भी कोई नई लाइन नहीं है। मैं तुम्हें धमका नहीं रही बल्कि हकीकत बता रही हूँ कि ऐसा ही करूंगी। आयशा तुम्हारा मसला क्या है, दोस्ती क्यों नहीं कर रही हो? मेरा असल मसला तुम्हारी लाइफ से है। देखो तुम भले बहुत अच्छे होगे लेकिन मुझसे दूर रहो। जी फरमाइए इल्मी उस्ताद। आतिश बेटा फौरन दुकान पर पहुंचो। बहुत बड़ा मसला हो गया बेटा।
कमीना मुझसे कह रहा था कि मुझे कबूल करने में हर्ज क्या है, तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है मुझे आशा, और पता नहीं क्या क्या कह रहा था। तंग आ चुकी हूँ, कसम से बहुत तंग आ चुकी हूँ, रखती हूँ फोन। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कोई तंग कर रहा है क्या? नहीं तो भाई, क्यों पूछ रहे हैं आप? फिर फोन पे ऐसी बातें क्यों कर रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो सरपल का बॉयफ्रेंड है ना, उसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ। वो बहुत तंग करता है उसे। मुझे लगा तुम अपने बारे में कह रही थी। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन ख्याल रखना ठीक है? जी जरूर। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग तुम्हारी गाड़ी उठाने आए हैं आतिश बेटा। इसके लीगल ऑर्डर है हमारे पास मिस्टर आतिश, इसलिए आप हमें रोक नहीं सकते। लाइ मुझे दिखाएं जरा ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, थैंक यू। क्या ठीक है आतिश बेटा, तो ऐसा कैसे होने दे सकते हो? छोड़ दें फिल्म उस्ताद, छोड़ दें, मैं जान चुका हूं कि इसके पीछे कौन है। You're making me sick. तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम्हारे अंकल भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएंगे। बताओ तकलीफ हो रही है? बाबा ये सब क्या कर रहे हैं आप? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था मुझे। अगर तो आप मुझे नाखुश करने की बात कर रहे हैं तो वो तो आप बहुत अरसे से करते हुए आ रहे हैं मेरे साथ। बताइए नया क्या है इसमें? तुम नाखुश हो? वाकई नाखुश हो? क्या बात है, तुम्हें तुम्हारी मर्जी की हर चीज मिली है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? बाप नहीं है कुल, बहुत पैसे हैं आपके पास, एक बाप खरीद के ला दें आप मुझे, वो बाप जो मुझसे प्यार करे, जिसके पास वक्त हो अपने बेटे के लिए। उसकी बीमारी में शायद मैं तीमारदारी करने जाता, और माँ तो मेरी थी ही नहीं, मर चुकी। बहुत दौलत है ना आपके पास, पैसा है, लेके आए उसे। उसे वापस लाना तुम्हारा काम था, मेरा नहीं। तुम अपना काम करो, तुम तो डॉक्टरी छोड़कर बैठ गए, ये कैसे कर सकता है कोई? और किसके लिए किया ऐसा? ड्राइवर बनने के लिए? रेसिंग मेरा पैशन है, सुना आपने? कभी सोचा भी आपने ये कि जाकर अपने बेटे के शौक को एक बार देख लूं कि जिसकी वो इतनी ख्वाहिश करता है? अगर तुम्हारा बेटा भी मेरे जैसा होता तो फिर तब तुम समझ सकते मुझे। बताइए कैसा बेटा हूं मैं? बाप को कब्र तक ले जाने वाला उसका अपना ही बेटा। आपका बेटा बहुत नॉटी है आसिफ साहब, अभी तो बहुत छोटा है आसिफ साहब, ये लड़का बहुत जनूनी है, अभी तो टीनेजर है ना आसिफ साहब, ये वुमेनाइजर है, अभी जवान है ना आसिफ साहब। फिर क्या हुआ, तुमने जाने कैसे सबको हैरान कर दिया, ना जाने तुम कैसे डॉक्टर बन गए, लेकिन फिर डॉक्टरी भी छोड़ दी। तुम्हें कारोबार में शामिल किया, मुझे बैंककरप्ट करके बुजदिलों की तरह भाग निकले। वो बहुत शर्मिंदा है आसिफ साहब, अब मुझसे स्पॉइल्ड चाइल्ड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हो गया, मिस्टर आसिफ गर्दन तक भर चुके हैं। रेसिंग मेरी जिंदगी है बाबा। द हेल विथ योर लाइफ। बस ठीक है, कहना क्या चाहते हैं आप कहें? वैसे कह तो आप बहुत कुछ चुके हैं बाबा।
एहसान फरामोश। दफा हो जाओ, निकलो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। रुके यार, रुके, मेरे ऊपर आपके कुछ एहसानात हैं जो मुझे वापस करना है। ये ले क्रेडिट कार्ड्स, ये रहे आपके पैसे। तुम इस पोजीशन में हो कि ये सब कमा सको हैं? औकात क्या है तुम्हारी? बस भाई बस, आप दोनों की एक दूसरे की नफरत से तंग आ चुकी हूँ। अब बस ये लौटाना भूल गया था। आतिश, बात सुनो बेटा, अगर आज चले गए तो वापस फिर कभी नहीं आ सकोगे। नहीं जाओ बेटा। जाने दे मुझे पापा, प्लीज। आतिश, अच्छा ठीक है, ऐसा करोगे तुम आज स्टोन हाउस में स्टे करो, मैं भाई से बात कर लेती हूँ। नहीं रहना मुझे पापा, ठीक है, नहीं रहूंगा मैं। मुझे इस शख्स से जुड़ी हुई कोई चीज नहीं चाहिए। तो फिर कहाँ जाओगे मेरी जान, कहाँ जाओगे? मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ इस शख्स की नजरों से दूर रहूंगा ना, वहाँ चला जाऊंगा मैं। ठीक है, जब तक किसी और घर का इंतजाम नहीं हो जाता उस वक्त तक रह लो। कहा ना, मैंने नहीं रहना चाहता हूँ यहाँ, नहीं रहना चाहता हूँ यहाँ। ये घर, वो घर और दौलत, ये सारा पैसा शानो शौकत उसी का तो है, मेरा क्या है इसमें? अच्छा ठीक है समझ गई, रिलैक्स। ऐसा करो कि आज तुम अपने दोस्त के साथ रह लो, कल तक मैं कोई अरेंजमेंट कर दूंगी। मैं सब कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए। हाँ बेटा तुम कर सकते हो, मुझे पता है, इसमें कोई शक नहीं, मैं जानती हूँ। लेकिन तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, इसलिए चाहती हूँ कि रिलैक्स होके सोचो। आप मुझे वैसे क्या समझ रही हो? मुझे क्या कोई छोटा बच्चा समझ रखा है जो अपना ख्याल नहीं रख पाऊंगा मैं? आतिश पागल हो गए हो क्या? आपने मुझे आखिर समझ कर रखा है, बताइए। ये मत भूलिए कि डॉक्टर हूँ मैं। बिल्कुल डॉक्टर हो तुम, एक डॉक्टर। जिस तरह बचपन में तुम खेल खेल के अपने खिलौनों को एक कोने में डाल दिया करते थे, बिल्कुल इसी तरह से अपनी मेडिकल की डिग्री को भी एक कोने में डाल दिया है। तो फिर समझाएं जाके कि मुझे कोने में धकेलने की कोशिश नहीं करे वो, क्यों मेरे साथ कभी बैठ कर मेरे इंटरेस्ट को नहीं सुना उन्होंने? आतिश देखो, तुम अपने बाबा को कभी कभी गलत समझते हो। बिल्कुल नहीं, सही समझता हूँ मैं। इस शख्स ने कभी मोहब्बत से ना देखा भी नहीं मुझे, और उधर बहुत मोहब्बतें दिखाई जाती है। क्या हुआ, आसिफ साहब का बेटा डॉक्टर बन गया? कौन सा दिखावा ये, रेस का घोड़ा हूँ मैं, ठीक है? डॉक्टर की डिग्री स्टेटस सिंपल थी आपके लिए, लेकिन ड्राइवर हूँ मैं, ड्राइवर। आतिश जाए कह दे उन्हें, अगर तो ये फख्र करना चाहते थे अपने औलाद की जवानी पर, तो ये अपनी जवानी का वक्त भी औलाद के साथ बिताते। आतिश बाबा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मोहल्ले वालों ने देख लिया तो मजाक उड़ाएंगे कि जलाल साहब अपनी बेटी के साथ यहाँ कपड़े धुलवाते फिर रहे हैं। औरतों वाले काम कर रहे हैं, इस तरह से कहेंगे आपके बारे में सब। मजाक कौन उड़ाएगा पता है? जिसे ये नहीं पता कि बाप का फर्ज क्या होता है, जो मदद करना जाने, मदद लेना नहीं। बच्चे, बीवी, बुजुर्ग सबकी मदद करे। हाँ हाँ ऐसे ही। हाँ, क्योंकि अपने खानदान को जोड़कर रखना उसी का काम है। कभी प्यार, कभी गुस्सा, हर तरीके से पूरे आशियाने को जोड़कर रखना, समझे? ये बातें बनाने वालों की सोच क्या है? मतलब मर्द का दबदबा और रोब होना चाहिए, ये क्या बात हुई? लानत भेजो, क्या बात करते हैं? क्या हुआ? सोच रही हूँ कि आपके जैसा लड़का मुझे कहाँ और कैसे मिलेगा शादी करने के लिए। अरे मेरी बच्ची, फिक्र नहीं कर, देखो तुम भी तो हमें मिली गई ना, है ना? हाँ आओ बैठ कर बात करते हैं। आह मेरी प्यारी बेटी, देखो बाप बेटी मिलकर अपने सीक्रेट्स बताएंगे, ठीक है? जी बाबा।
मेरी प्यारी बेटी, देखो मुझे यकीन है बहुत जल्द तुम्हें वो इंसान मिल जाएगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। एक फराग दिल इंसान, बहुत मजबूत, बहादुर, तंदुरुस्त, समझो जैसे बिल्कुल वो कहानियों में शहजादा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। जब तुम कहो तो वो चांद भी तोड़कर ला दे तुम्हारे लिए। कोई इतना ताकतवर जो तुम्हारे लिए ऊंची चट्टान को पिघला दे। तुम्हें अपने बाबा के घर से अपने महल में ले जाए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई ऐसा लड़का जो जाकर चांद तोड़कर लाए और पहाड़ पिघला दे। कोई आयरन मैन नहीं चाहिए, मेरा मतलब मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे हीरो मेरे बाबा है ना। हाय मेरी प्यारी बच्ची, ये मेरी किस्मत थी जो तुम मिली। खुश हूं मैं क्योंकि आज तक तुमने मुझे कोई दुख देने वाली बात नहीं की। इस दरवाजे पर तुम्हारी शिकायत लेकर कोई नहीं आया कभी। स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट थी तुम, हमारा फखर हो तुम। कोताहियां हमने किए बेटा, तुमने कभी नहीं की। हम तुमसे बहुत खुश हैं, अल्लाह तुम्हें हमसे राजी रखे। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा जान? मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप सब लोग मेरी जिंदगी में हैं। हमें किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ये बात जानते हैं क्या? उस आदमी का जो उस दिन मुझे आपकी दुकान पर छोड़कर गया। आयशा, आयशा पता नहीं, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो जो हम नहीं जानते। भूलो मत ये, अगर आज हम यहाँ हैं तो उसी मजबूरी की वजह से। मतलब तुम्हारे दिल में उनके लिए शिकवा है तो अपने बाबा की खातिर उन्हें माफ कर दो तो अच्छा है। परेशान मत हो आप बाबा, वादा करती हूँ कि अगर कभी वो सामने भी आ गए तो कुछ नहीं कहूंगी मैं उन्हें। तुम कितनी प्यारी बेटी हो, आ जाओ मेरे पास। मेरे बाबा मुझसे जो चाहे जब चाहे ले सकते हैं, लेकिन मेरी चैंपियनशिप नहीं ले सकते। आप मुझे इस्तांबुल में सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढना होगा। अगर उसे इस्तांबुल में अच्छे और सस्ते अपार्टमेंट के लिए ढंग का किरायेदार नहीं मिल सकता तो उससे कहना हम किसी और से बात कर लेंगे। मुझे इस वक्त इस जगह की बहुत जरूरत है। मैंने इश्तिहार देखा था घर का, उसी के लिए आया। गैर शादी शुदा हो, खुदा का शुक्र कुमारी को घर जेब नहीं मिलेगा। क्या तुम शादी कर सकते हो मुझसे? अपार्टमेंट के लिए? हाँ, मैं उसी के लिए। हमने शादी कर ली। क्या? आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें।